अपनी माटी की सौंधी सौंधी महक उन्हें खींच रही है और वो अपनी धरती पर जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर विपिन तिवारी जी हैं। विपिन जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी। विपिन जी, आप भी लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है श्रमिकों के लिए काम करते रहे हैं और बहुत सारे लोगों तक खाना पानी पहुँचाने की व्यवस्था आपने की है, सरकार तक भी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है। क्या कारण है कि इन तमाम दावों के बावजूद सरकारें व्यवस्था कर रही है, खाने पीने सबकी वापस भेजने की व्यवस्था कर रही है, उसके बावजूद लोग जो पैदल पलायन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण लगता है विपिन जी? देखिए, मुख्य रूप से ये है कि जब बीमारी का एक तो डर इतना ज्यादा बैठ गया है जी कि हम अभी सीतापुरा में और कई जगहों पर हम लोग गए जी जी और प्रशासन ने भी कहा भाई थोड़ा सा काउंसलिंग किया जाए इनका, जी। तो वहाँ पर गए थे तो परिस्थितियाँ एक अजीब तरह की है कि साहब आप तो भले ही भेज देंगे या खाना नहीं मिल रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना भी मिल रहा है, लेकिन वो लोग गांव जाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि फोन से बात कराते हैं, वहां से उसकी पत्नी बोल रही है, वो बस आ जाओ, बस एक ही बात है, आ जाओ। तो लोगों का ऐसा डर बैठ गया है कि एक मौत के हम मुहाने पे खड़े हैं, कब मौत आ जाएगी, तो इससे बढ़िया है घर पे जाएंगे तो अपने लोगों के बीच में रहेंगे, कहीं रहेंगे, तो एक इस तरह का माहौल हो गया है। बहुत हमने देखा है यहाँ पर पाली मीरा क्षेत्र में, जयपुर के यहाँ जहाँ पर सारे कच्ची बस्तियों को बसाया गया था, वहाँ पर शुरुआती दौर में लोग खाना के लिए जहाँ परेशानी आई वहाँ हम लोगों ने किया, फिर कच्चा राशन भी दिलाया गया, फिर उसके बाद मजदूरों के खाते में सीएम को, सीएम साहब को चिट्ठी लिखी गई, उन्होंने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों के खाते में 2,500 रुपए भी दिए, लेकिन वो तो कहते हैं टिकट के पैसे भी हमसे ले लो, लेकिन हम तो गांव जाएंगे, हम ला करके मंगवा करके दे देंगे, भली बात है, हमें जाना है। और वो एक है एक एक मनोवैज्ञानिक जिसे कहते हैं ना कि मन में ये बैठ गई है कि हमें तो अब गांव जाना है, तो उस हिसाब से इनको गांव जाने की है। और उसको सरकार को मेरा ये मानना है कि उसको भेजनी चाहिए, और हमने काफी लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, लेकिन अभी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बिल्कुल विपिन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी और जिस तरह आप लगातार श्रमिकों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा क्रम में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।